वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि क्या करता है ये फ्लोट करता है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, अभी सिंक भी कर जाएगा। किसकी डेंसिटी ज्यादा है? पानी की होता तो फ्लोट नहीं कर जाता, इसका मतलब बिस्किट की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, इसलिए डिप कर गया इसके अंदर ही है, ठीक है। हमने एक्सपेरिमेंट पहले भी करा था, याद है? ठीक है, ठीक है। टाइगर बिस्कुट देखो, अगर ना मैं इस वाले को इसके अंदर डालूंगा तो ये क्या करेगा? डिप करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमने देखा ना ये वाला क्या करा, अभी तो फ्लोट कर रहा, ठीक है, पर धीरे धीरे इसके अंदर क्या हो रही है, सारी वाटर की वो बन जा रही है, मतलब एयर हो गई ना बीच में, एयर क्या हो रही है, पूरी हट जा रही है एयर, जैसे मैंने फॉइल में देखा था। अभी थोड़ी देर बाद क्या करेगा? डिप कर जाएगा। क्यों करेगा डिप? क्योंकि जहां पर एयर थी वहां पर कौन भर जाएगा? वाटर भर जाएगा, सिंपल सी बात है। थोड़ी देर बाद क्या करा इसने? डिप कर गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मैं इसी में ना, अगर मैं क्या ऐड करता हूँ, इनो ऐड करता है, ठीक है। ये हमने पहले भी कर रखा एक बार, है ना, दिन हमने ऐसे समझा था। आज का प्रैक्टिकल मतलब समझते हैं डेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। बस 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 देखो, अगर मैं ना अब इसको रखता हूँ, ठीक है, अब ये क्या करेगा? अब ये फ्लोट करेगा, ठीक है। फ्लोट करेगा, क्यों करेगा फ्लोट? क्या रीजन इसका? फ्लोट करेगा पर क्यों करेगा फ्लोट? बताओ, अभी तो पढ़ा हमने कॉन्सेप्ट। अरे फ्लोट क्यों करने लग गया ये? क्योंकि हमने वाटर की डेंसिटी क्या करते हैं? ज्यादा कर दिया, सिंपल सी बात है भाई। पहले ना एक बिस्कुट ऊपर पड़ा, एक बिस्कुट नीचे पड़ा है, बेचारा ये क्या कर रहा है? डूब गया इसके अंदर पानी के अंदर, ये रीति के पानी के अंदर डूब गया, ठीक है। और ये ऊपर आईसी पानी के ऊपर तैर रही है, ठीक है। अगर ये पानी के अंदर डूब गया ना, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। और इसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। डेंसिटी कम होगी तभी तो तैर रहा होगा ना पानी के अंदर। इसका मतलब हमने क्या करा, जो हमने इनो ऐड करा, इनो के अंदर क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड करती है, पानी की डेंसिटी को ज्यादा कर रही है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं ज्यादा कर रही है। और तुम्हें अगर ध्यान से दिख रहा होगा, बबल्स ऊपर जा रहे हैं, कुछ बबल दिख रहे हैं ऊपर जाते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करती है इसको मैं डुबाने देगी। अगर मैं इसको नीचे छोड़ूंगा ना, तो क्या आएगा? ये ऊपर, ये देखो ऊपर ही आ रहा हूँ। इसको अगर मैं डुबाऊंगा ना, कौन थी है? आयुषी थी है, आयुष को मैं डुबा रहा हूँ पानी के अंदर, ठीक है। पर क्या है? डूब रही है पानी के अंदर, ये नहीं आ रही दोबारा ऊपर बैठ रही। क्यों आ रही है ऊपर? क्योंकि इसके अंदर क्या होगी? डेंसिटी क्या कर दी मैंने? ज्यादा कर दिया, समझ में आ गया नहीं, ठीक है। तो अगर मैं ना, अगर मैं इसी चीज का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ ना, डेंसिटी वाले हमने पहले भी कर रखा है, ठीक है। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट की ना अलग अलग डेंसिटी देखा। पहले हमने किसको ऐड किया था? पेट्रोल और वाटर को ऐड किया था, ठीक है। सुनो सुनो, ठीक है। अगर यार मैं ऊपर आ गया, ऊपर आएगा पता है? हाँ, वो क्यों आया ऊपर पता है? आपने बता दो, क्योंकि देखो इसकी डेंसिटी क्या होगी? वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अगर मैं अलग अलग बीकर लेता, ठीक है, सपोज अगर मेरे पास कोई अलग बीकर है, ये बीकर है, ठीक है, इसके अंदर मैं वो ऐड ना करता, ये ऐड ना करता, तो क्या आता ऊपर ही है? तब नहीं आता ऊपर। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसकी डेंसिटी चेंज ना होता। अभी मैंने इसकी डेंसिटी क्या करा? ज्यादा कर दिया, मतलब ये बोल दो कि इतने डूब गया था पानी के अंदर, मैं गया, मैं भी इसको खींच के लेकर आ गया, तो अब तो ला सकता हूँ ना मैं इसको ऊपर। क्यों लेके आया? क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी एज कम्पेयर टू इस वाले से। समझ में आ गया नहीं, ठीक है।